मैं हूँ वीके शर्मा और आपके लिए लाया हूँ इंटरनल क्वेश्चन आंसर। तो ये हमारी पहली सीरीज है जिसमें मैंने जियोग्राफी के फर्स्ट चैप्टर के इंटरनल क्वेश्चन आंसर बनाए हैं। आंसर्स हैं, उन्हें ध्यान से देखना, समझना और कंसेप्ट को क्लियर करना। इसी के साथ वीडियो को लाइक करिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, बच्चे कंसेप्ट क्लियर कर पाए। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइज्ड ऑफ। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कंप्राइज्ड ऑफ की, अगर बात करेंगे तो कंप्राइज का जो मीनिंग यहाँ पे है वो है शामिल। तो नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें शामिल हैं, हम बात कर रहे हैं नेचुरल एनवायरनमेंट की, ना कि एनवायरनमेंट की। द नेचुरल एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, वाटर, एयर, प्लांट, एनिमल्स। जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं। व्हाट इज हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर होता क्या है, तो हाइड्रोस्फीयर इज डोमेन ऑफ वाटर। डोमेन का मतलब होता है यहाँ पे क्षेत्र। जो हाइड्रोस्फीयर है वो वाटर का क्षेत्र है, पानी का एरिया क्षेत्र है, और इट कंप्राइजेज, और यह शामिल करता है वेरियस सोर्स ऑफ वाटर, पानी के वेरियस सोर्सेज को शामिल करता है हाइड्रोस्फीयर। उसमें जो सोर्सेज हैं उसमें कौन कौन से सोर्सेज हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, सीज है और ओशंस हैं। इट इज इसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो वाटर हाइड्रोस्फीयर है, यहाँ पे जो इट आया है वो हाइड्रोस्फीयर के लिए आया है। हाइड्रोस्फीयर है जो इसेंशियल है, आवश्यक है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट होल्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ का, वो क्या होल्ड करता है। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो जो है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है वो एटमोसफियर को होल्ड करता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जो अर्थ सरफेस है वहाँ पे जो एयर का प्रेशर है वो ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम शिमला मनाली अगर हाइट पे जाते हैं तो वहाँ पे एयर प्रेशर कम होता चला जाता है। तो जो ये अर्थ के पास में जो एयर का प्रेशर ज़्यादा होता है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण होता है, और जो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है वो कितना होता है, 1.01325 bar। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड। वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड्स एनवायरनमेंट जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 5 जून को किया जाता है एवरी ईयर, और नेक्स्ट आफ्टर 2 डेज हमारे यहाँ 5 जून आने वाली है तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये 2021 में जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो किस कंट्री में सेलिब्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान में। और इसकी थीम क्या है, इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट की थीम क्या है, रिस्टोरेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम ये याद रखना, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें मैंने बताया है। नेक्स्ट है, हाउ इज एटमोस्फियर यूजफुल फॉर अस, कि एटमोस्फियर हमारे लिए किस तरीके से यूजफुल है। द एटमोस्फियर लेयर इज वेरी यूजफुल टू फॉर अस। जो एटमोस्फियर लेयर है वो हमारे लिए बहुत यूजफुल है। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, ये हमें बचाती है, किससे बचाती है, हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज से। ये जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज है उससे बचाती है, स्क्रोचिंग हीट ऑफ द सन, और सन की जो हीट है उसकी स्क्रोचिंग से बचाती है, हीट स्क्रोचिंग से बचाती है। कैसे बचाती है, जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओजोन लेयर सूर्य से आने वाले अल्ट्रा वायलेट रेज को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है, तो ये क्या होती है, ये वहीं पर एब्जॉर्ब कर ली जाती है, एब्जॉर्ब कर ली जाती है ताकि जो ह्यूमंस रहते हैं उनके ऊपर बैड इफेक्ट ना हो। ये हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल है, इसलिए एटमोसफियर हमारे लिए यूजफुल है। नेक्स्ट है, व्हाट इज इकोसिस्टम। अब इकोसिस्टम रिस्टोरेशन की बात हो रही थी, तो कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट
डे जो 5 जून को मनाया जा रहा है उसकी जो थीम है वो क्या है। तो इकोसिस्टम इज ए सिस्टम। इकोसिस्टम वह सिस्टम होता है फॉर्म्ड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके इंटरेक्शन के इंटरेक्शन से ये फॉर्म्ड होता है। ये आपस में इंटरेक्शन करते हैं। किसके साथ इंटरेक्शन करते हैं? विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं। और किसके साथ करते हैं? विद द फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर्स ऑफ द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट के फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इन विच दे लिव, जिसमें कि वो रहते हैं। ऑल लिंक्ड बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मेटेरियल। और वे लिंक्ड होते हैं किसके द्वारा? जितना भी एनर्जी ट्रांसफर होता है उसके द्वारा और मेटेरियल के द्वारा। इसको थोड़ा समझते हैं क्या है। देखो, सनलाइट है, उससे हीटिंग मिलती है। प्रेशर है, एयर है, वाटर है, ये सब क्या है? नेचुरल एलिमेंट। ये सब क्या है? नॉन लिविंग एलिमेंट है। और इसे फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको रहने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत होती है? वेजिटेशन की जरूरत होती है। वेजिटेशन में क्या है? यहाँ पर सॉइल भी इसमें आ जाती है, नॉन लिविंग उसमें। तो यहाँ पर सॉइल में हमारी वेजिटेशंस होती हैं, यहाँ पे मिनरल्स होते हैं। ठीक है। वाटर होता है, एयर की इससे जरूरत होती है। अब ये वेजिटेशन ग्रो होती है तो इससे कौन खाता है? ह्यूमन बींग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको कंजप्शन करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन होता है इन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में, इंटरेक्शन हो रहा है, इंटरेक्शन चल रहा है इनके बीच में। ठीक है। ये इंटरेक्शन दे समझना अच्छी तरह क्या हो रहा है। फिर ये ह्यूमन बींग्स जो लेते हैं, जो ये सनलाइट है, इस सनलाइट से इनके ऊपर क्या हो रहा है? सनलाइट से इन्हें एनर्जी मिल रही है, ये फूड बना रहे हैं। ये जो फूड बना रहे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कंजप्शन कर रहे हैं। अब इससे आगे क्या होता है? ये सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ पर किसके पास होती है? यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होती है प्रोड्यूसर्स के पास। और इन्हें क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं जो इनको खाते हैं, जैसे गॉट हुई, शिप हुई या कैटल्स हुई, ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। अब इन प्राइमरी कंज्यूमर्स को खाने वाले को सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब यहाँ ये प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स में ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, ये फूड खा रहे हैं और इससे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इसको। अब ये सेकेंडरी कंज्यूमर जब इसको प्राइमरी कंज्यूमर को खाता है तो यहाँ पर एनर्जी यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर हो रही है। फिर टर्शरी कंज्यूमर इसको खाता है तो ये इस तरीके से यहाँ पे एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है और मेटेरियल का ट्रांसफर हो रहा है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये अभी ये देखते हैं। ये जितने भी है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनका इंटरेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे ये वाला सर्किल है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का है और ये इकोसिस्टम है। ये सारा इकोसिस्टम बनता है। अब ये एयर, वाटर और मिनरल्स, ये सब किस में काउंट होते हैं? नॉन लिविंग में। और ये सारे किस में? प्लांट, माइक्रोब्स, एनिमल्स, ये सब किस में काउंट होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। व्हाट इज मीन्ड बाई एनवायरमेंट? अब यहाँ पे नेचुरल एनवायरमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये एनवायरमेंट की बात कर रहे हैं। द प्लेस, जगह, लोग, थिंग्स, चीजें और नेचर दैट सराउंडेड बाई एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ है, इज कॉल्ड एनवायरमेंट। उसे एनवायरमेंट कहते हैं। हाउ इज एनवायरमेंट मेड? अब एनवायरमेंट कैसे बनता है? इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड द ह्यूमन मेड फिनोमिनो। अब यहाँ पे क्या है कि जैसे ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ क्या क्या चीजें हैं? बिल्डिंग्स हैं, रोड है, ठीक है, पार्क है, इंडस्ट्री है, ये सारी क्या है? ये ह्यूमन मेड है। एक तरफ फॉरेस्ट है, ट्रीज हैं, वाटर रिसोर्सेज हैं, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी क्या है? नेचुरल है। तो ये सारी चीजें मिलकर, ये दोनों चीजें मिलकर, ये दोनों फिनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एनवायरनमेंट बनाता है। नेक्स्ट, व्हाट इज नेचुरल एनवायरनमेंट? और ये नेचुरल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं तो नेचुरल एनवायरनमेंट की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें ह्यूमन मेड चीजें तो नहीं आएंगी, ठीक
जिसमें आएंगी लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? लैंड है, वाटर है, एयर है, प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं। इसके बाद है क्वेश्चन, व्हाट इज लिथोस्फीयर? अब लिथोस्फीयर क्या होता है? लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट, ठीक है, एंड द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। अब जो लिथोस्फीयर होती है, अगर लिथोस्फीयर को देखेंगे तो यहाँ पर जो हार्ड सरफेस होती है जिस पे कॉन्टिनेंटल मास रहता है, ठीक है, और एक यहाँ पे ओशनिक क्रस्ट होती है, ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं, ये जो हार्ड रॉक सरफेस है और ये नीचे जो ओशन होता है उसके नीचे भी हार्ड रॉक सरफेस होती है, तो इसे जो हार्ड सरफेस होती है, जो सॉलिड क्रस्ट होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक मैं इस जो स्लाइड, ये जो वीडियो है, इसमें 10 क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। नेक्स्ट सीरीज में इससे आगे क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो आने पर आपको इन्फॉर्म हो जाए और आप इसका बेनिफिट उठा पाएं। थैंक यू।